प्रश्न नंबर 344, सूत्र नंबर 19, गद्य नंबर 855, आह उक्तम चारित्रम, कहते हैं चारित्र का कथन किया। तदनंतरम उद्दिष्टम, यत उसके बाद जो कहा गया कि तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। इति तस्य यदानी तपसो विधानम कर्तव्यम इति यत्र उच्यते, इसीलिए अब उस तप का विधान करने के लिए आगे कहते हैं। तद्द्विविधम बाह्यम अभ्यंतरम च, वह तप दो प्रकार का है, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। तत् प्रत्येकम षटविधम, वह प्रत्येक छह प्रकार का है, अर्थात बाह्य तप छह प्रकार का है, अंतरंग तप छह प्रकार का है। तत्र बाह्य भेद प्रतिपादनार्थम आह, और उनमें से सबसे पहले बाह्य तपों का कथन यहाँ पर किया जा रहा है। आइए देखते हैं। सूत्र नंबर 19, अंसनौ मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्या विविक्त संयाशन काय क्लेशा वाह्यम तपः। अंसनौ मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्या विविक्त संयाशन काय क्लेशा वाह्यम तपः। प्रश्न नंबर 345, गद्य नंबर 856, दृष्ट फलान पेक्षकम संयम प्रसिद्धि लाभोच्छेद कर्म विनाश ध्यानागम आप्ति अर्थम अंसनम। दृष्ट फल मंत्र साधना आदि की अपेक्षा किए बिना संयम प्रसिद्धि संयम की सिद्धि, रागोच्छेद राग का छेद, कर्म विनाश कर्म का नाश, ध्यान आगम आप्ति ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए प्राप्ति अर्थम अनशनम अनशन तप किया जाता है। अनशन तप क्यों किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से आचार्य ने उसे करने के बारे में बतलाया। क्यों करना है, तो कारण बतलाते हुए कहते हैं, दृष्ट फल मंत्र साधना आदि की अपेक्षा किए बिना, मतलब कोई मंत्र आदि की सिद्धि के निमित्त से करे नहीं, उसी की सिद्धि के बिना संयम की सिद्धि हो और राग का उच्छेद हो, राग कम हो, भोजन आदि के प्रति शरीर आदि के प्रति ममत्व परिणाम कम हो, कर्म का विनाश ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए, क्योंकि जितना समय आहार आदि के गमन में व्यतीत करते हैं वो सारा का सारा समय व्यतीत बचाकर और ध्यान और आगम में लगाएंगे, अध्ययन करेंगे स्वाध्याय आदि करेंगे, इसलिए अनशन तप करते हैं। अनशन क्या है, ना अशन इति अनशन, जहां कुछ भी ग्रहण नहीं करना वहां अनशन होता है। चारों प्रकार के आहार जल के त्याग का नाम ही अनशन है, उपवास उसी को कहते हैं। यदि जल भी ग्रहण किया गया है तो वह उपवास नहीं है, ये अच्छी तरह ध्यान में रखना है, क्योंकि 10 लक्षण पास में आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम तो जल भी ग्रहण करते हैं और उपवास भी है, नहीं, यदि जल भी ग्रहण किया है तो वह उपवास नहीं है, वह जल के साथ किया गया एकाशन हो सकता है, क्योंकि एक भी अनशन असन, जिसे असन मतलब भोज्य सामग्री, भोज्य सामग्री चार प्रकार की, खाद्य स्वाद लेय और पेय, तो पेय भी भोजन है पेय भी असन है, इन चारों के छोड़ने का नाम अनशन है, ये विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। आगे कहते हैं अवमोदर्य, अवमोदर्य किस लिए किया जाता है, तो बतलाते हैं संयम प्रजागर
दोष प्रसम संतोष स्वाध्याय सुख सिद्धि अर्थम अवमोदर्यम। कहते संयम को जागृत करने के लिए या जागृत रखने के लिए, दोष प्रसम दोषों के प्रसम के लिए, दोषों को शांत करने के लिए, किसी भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हुआ है तो उसे शांत करने के लिए। फिर कहते हैं संतोष स्वाध्याय आदि सुख सिद्धि अर्थम, संतोष और स्वाध्याय आदि की सुख पूर्वक सिद्धि के लिए अवमोदर्यम अवमोदर्य तप किया जाता है। यहाँ आचार्य उनके लक्षण नहीं बतला कि किस लिए वो किया जाता है, उनका फल यहाँ पे बतला रहे हैं। अवमोदर्य क्या है? अवमोदर्य का अर्थ है ऊनोदर, भूख से कम खाना। यह अनेक प्रकार का होता है, जलांती अकेला ग्रहण कर लेना, या दो रोटी की भूख है तो एक रोटी खा लेना, दोनों टाइम भोजन की भूख है तो एक टाइम खा लेना। इस प्रकार ये अवमोदर्य अनेक प्रकार से होता है। इस अवमोदर्य को क्यों किया जाता है? तो संयम को जागृत रखने के लिए, क्योंकि पेट भर के भोजन करेंगे तो असंयम की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इसलिए। दोषों के प्रसम के लिए, कोई शरीर में वात पित्त आदि कोई दोष उत्पन्न हो गया है तो उसको दूर करने के लिए। और संतोष और स्वाध्याय, संतुष्टि का जो लक्षण है भोजन आदि के निमित्त से वह प्राप्त हो, इसलिए भी यह किया जाता है। और जो समय शेष रहेगा उसमें स्वाध्याय आदि की सिद्धि होगी, आलस्य कम आएगा तो स्वाध्याय अच्छे से होगा, इसलिए इसका कार्य यह किया जाता है। अब वृत्ति परिसंख्यान तप को बतलाते। भिक्षार्थिनो मुनि एक आगार आदि विषय संकल्प चिंता अवरोध वृत्ति परिसंख्यान आशा निर्वृत्त्यर्थ अर्थम अवगंतव्यम। कहते हैं भिक्षार्थिनो, भिक्षा के इच्छुक मुनि का, मुनि एक ग्रह आग एक आगारम आदि विषय, एक घर आदि विषय संकल्प संकल्प अर्थात चिंता आदि का अवरोध करना वृत्ति परिसंख्यान तप है। और यह किस लिए किया जाता है? तो कहते हैं आशा निर्वृत्ति अर्थम, यह आशा की निर्वृत्ति के लिए किया जाता है। इच्छाओं और आशाओं पर सीमन हो, उसे कंट्रोल किया जा सके, सीमित हो सके वे, इसलिए यह किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? मुनिराज संकल्प करते, मैं इतनी घरों तक जाऊंगा, या आठवीं घर में आज भोजन करने जाऊंगा, या इस प्रकार की विधि मिलने पर भोजन करने जाऊंगा, तो इससे आशाओं पर कंट्रोल लगता है। आगे अगला तप है रस परित्याग। रस परित्याग का लक्षण बतलाते हैं। इंद्रिय दर्प निग्रह निद्रा विजय स्वाध्याय सुख सिद्धि आदि अर्थो धृतादि व्रस रस परित्याग त्याग चतुर्थ तपः। अब चौथा तप क्या है? चौथा तप है रस परित्याग। क्यों करना? तो कहते हैं इंद्रिय दर्प निग्रह, इंद्रिय रूपी दर्प, दर्प मतलब होता है घमंड, दर्प मतलब होता है एक प्रकार से वासना। तो इंद्रियों का जो दर्प है उसका निग्रह करने के लिए, इंद्रियों का जो मद है, इंद्रियों का घमंड है, इंद्रियों की इच्छा है, अभिमान है, उसका असंयम है, उसको निग्रह दूर करने के लिए। दूसरा कहते हैं निद्रा विजय, निद्रा का विजय करने के लिए। और स्वाध्याय सुख सिद्धि आदि अर्थो, और स्वाध्याय सुख पूर्वक स्वाध्याय की सिद्धि के लिए धृत अर्थात घी आदि रस, जो सट प्रकार के रस कहे उनका, और विशेष विषय अर्थात गरिष्ठ रस का, जो शरीर में पचने में देरी से पचते हैं, ऐसे रसों का, गरिष्ठ रसों का त्याग करना चौथा रस परित्याग नाम का तप है। इसके लिए भी मुनिराज क्रमशः रसों का त्याग करते चले जाते हैं। आज हमारे सामने आचार्य भगवंती विद्यासागर जी महाराज विराजमान हैं और भी महान तप धारण करने वाले, उन्होंने दीक्षा लेते ही नमक और मीठे का त्याग कर दिया। आज 55 वर्ष उनकी साधना को व्यतीत हो गए, 55-56 वर्षों से उन्होंने नमक और मीठे का सेवन नहीं किया। ये अपने आप में सृष्टि पर एक महान आश्चर्य के रूप में विराजमान है। फिर उन्होंने आगे चलकर हरि का त्याग कर दिया,
और संपूर्ण फल फ्रूट सबका त्याग कर दिया। इस प्रकार भी मार्ग में कुछ मुनिराज छहों रसों का त्याग भी करते हैं। कुछ मुनिराज अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार क्रमशः त्याग करते हुए चलते हैं। बहुत सारी आरिका माताएं एक एक रस का त्याग करती हैं या रसी से आहार करती हैं। प्रतिदिन एक एक रस का त्याग करके आहार करते, इस प्रकार से रस परित्याग तप होता है। आगे कहते हैं विविक्त सय्यासन। विविक्त सय्यासन क्या है? तो कहते हैं शून्यागारादिषु विविक्तेषु जंतु पीना विरहितेषु संयतस्य सय्यासनम् अवाधा अत्य ब्रह्मचरी स्वाध्याय ध्यानादि प्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्यम् इति पंचमं तपः। कहते हैं एकांत और जंतु आदि की पीड़ा से विरहित अर्थात रहित शून्यागारादिषु, शून्यागार अर्थात जहाँ कोई नहीं रहता, ऐसे स्थानों में शून्य ग्रह आदि में, चैत्यालयों में, मंदिरों में, जंगलों में, पर्वतों पर, या फिर खाली जो धर्मशाला आदि के जहाँ कोई निवास नहीं करता, ऐसे स्थानों में क्या करना? ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए, स्वाध्याय की सिद्धि के लिए और ध्यान आदि की सिद्धि के लिए संयत को सय्यासन लगाना चाहिए। वहां बैठना, वहां रुकना, वहां सोना, ये सब विविक्त सय्यासन कहलाता है। यह पांचवा तप है। इसके बाद कहते हैं काय क्लेश। काय क्लेश क्या है? आतापन स्थानम आतपस स्थानम वृक्षमूलो निवासो निवावरणम निरावरणम सेनम बहुविध प्रतिमा स्था प्रतिमान प्रतिमा स्थानम इति एवं आदि आदि काय क्लेशा तत् षष्ठम तपः। छठवां तप है काय क्लेश, शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट देना। कैसे कैसे कष्ट देना? तो कहते हैं आतापन योग, आतापन योग करना। आतापन योग क्या होता है? आतापन का योग है खुले शरीर सूर्य की गर्मी को सहन करना। पहाड़ की चोटी पर चले जाना, छत पर आदि पर सूर्य की गर्मी को सहन करना। फिर कहते हैं वृक्षमूल, वृक्षमूल अर्थात वृक्षमूल निवासो, वृक्ष के मूल में निवास करना, वृक्ष की कोटरों में रहना या वृक्ष जहाँ समाप्त होते हैं उन स्थानों पर रहना, वृक्ष के नीचे चातुर्मास आदि स्थापित करना, वृक्ष के नीचे बैठना और नाना प्रतिमा योग अर्थात बहुविध अनेक प्रकार की प्रतिमा स्थान, अनेक प्रकार के प्रतिमा स्थान आदि करना। जो प्रतिमा योग आदि होते हैं, एक स्थान पर 5 दिन के लिए खड़े हो जाना, काय उत्सर्ग में बैठ गए 2-2 दिन तक बैठे रहना और अन्य प्रकार के आसनों पर विविध प्रकार के आसन आदि लगाकर। कुछ मुनिराज पहले सिद्ध आसनों में घंटों घंटों बैठा करते थे, कुछ मुनिराज एड़ी के बल घुटने के बल पर बैठते थे। इस प्रकार बहुत सारे प्रकार से शरीर को एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए वे इस प्रकार से इनको सहन करते हैं। यह काय क्लेश नाम का छठवां तप है। अब प्रश्नकर्ता पूछते हैं तत् किमर्थम, वह किस लिए किया जाता है? काय क्लेश किसके लिए किया जा रहा है? तो कहते हैं देह दुख तितिक्षा सुखान सुखान विषु अंग प्रवचन प्रभावनादि इत्यर्थ प्रभावना आदि अर्थम। कहते हैं यह देह सुख को सहन, यह देह दुख को सहन करने के लिए, सुख विषयक आसक्ति को कम करने के लिए और प्रवचन की प्रभावना, आगम की प्रभावना करने के लिए किया जाता है। देह दुख तितिक्षा और अनेक प्रकार की जो सुखानुभूति है, सुख का अनुबंध है, शरीर आदि की आनंद प्राप्त हो रहा है, उससे वे बचते हैं। परिश्रहस अस्य च को विशेषः। तो कहते हैं परिश्रम और काय क्लेश में क्या अंतर है? वहां भी तो कष्ट सहन कर रहे थे, फिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो समाधान देते हुए कहते हैं यत इच्छया उपनिपतिता परिश्रह स्वयं कृतः काय क्लेशः। कहते दोनों में बड़ा अंतर है। क्या? तो कहते हैं अपने आप जो प्राप्त हुआ है उसका नाम तो परिश्रह है और स्वयं कृतः काय क्लेशः,
और जो स्वयं आगे से जाकर कर रहे हैं उसका नाम काय क्लेश है। वहां भूखे रहना नहीं है, वहां तो भी भोजन के लिए निकले लेकिन भोजन मिला नहीं, तुच्छता परिश्रय है। और यहाँ पर स्वयं भोजन के लिए नहीं उठना, वहां स्वयं कांटों पर चलना नहीं है लेकिन यहाँ कांटों पर स्वयं भी चल रहे हैं, धूप में स्वयं भी खड़े हैं, वृक्ष की मूल में खुद जाकर बस गए हैं। इसलिए दोनों में अंतर है। ये हमेशा याद रखना कि परिश्रय जो स्वयं उपस्थित होते, जो अपने आप प्राप्त हो जाए वो परिश्रय है, और जो स्वयं करे उनका नाम काय क्लेश है। आगे कहते हैं बाह्यत्वम अस्य कुतः, इस तप को बाह्य तप क्यों कहते हैं, इन तपों को बाह्य तप क्यों कहा। समाधान देते हैं बाह्य द्रव्य अपेक्षयात्वा पर प्रत्यक्षत्वात बाह्यत्वम, यह बाह्य द्रव्य के आलंबन से होता है और पर दूसरों के लिए पर प्रत्यक्षत्वात दूसरों के देखने में आता है, इसलिए इन्हें बाह्य तप कहते हैं। ये 8 प्रकार के तप बाह्य तप हैं क्योंकि यह दूसरों के द्वारा देखने में आते हैं और पर पदार्थों के आलंबन की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य तप कहा है।